पानीपत की जिला जेल में बंद आरोपी कृष्ण की वीरवार को संदिग्ध परिस्थितियों में सुबह मौत हो गई, जिसे पानीपत के सामान्य अस्पताल में लाया गया। डॉक्टरों ने कृष्ण को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने भी जेल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें कि पानीपत जिला जेल में बंद कृष्ण एक युवती को जलाकर मारने के मामले में आरोपी था, जिसकी वीरवार को पानीपत के जिला जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 8:15 बजे किया गया, जबकि फोन करने में 1.25 घंटा नहीं लगता। तो हम ये मांग करें भाई, इसमें पुलिस की लापरवाही है या जेल में किसी के साथ कुछ हुई है, और जो डेड बॉडी दिखाई गई है उसके नाक से ब्लड आया हुआ है, वो किस कारण से आया हुआ है। पुलिस ने टाइम पर यहाँ नहीं पहुँचाया, जब वो रास्ते में डेड हो गया तो पुलिस ने लेट सूचना क्यों देगी, और बीमार की ही सूचना दी गई, न कि एक्सपायर की। जब भी यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई वो एक्सपायर ही लाया गया था यहाँ पे, तो हम इसमें जेल प्रशासन के ऊपर भी जो है वो चाहते हैं भाई निष्पक्ष जांच हो और किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाए। भाई वहाँ किसी कैदी के साथ हुई है या पुलिस वाला के साथ हुई है तो निष्पक्ष जांच की जाए। तो कृष्ण था राजेंद्र का लड़का, ये एकदम अचानक बीमार हो गया। ये वैसे इसका 3-4 महीनों से इलाज चल रहा था, एक कंटिन्यू मेडिकल गार्ड पर जा भी रहा था। तो हमने जो है सुबह जैसे इसको देखा कि भाई एकदम इसको पीसी हुई है, खूब लबटैक सा हल्का लग गया, तो हमने जो डॉक्टर हैं उनको, अनीश थे, उनको बुलाया, वो सडन आ गए थे, और उसके बाद उन्होंने इसको इमरजेंसी गार्ड के लिए यहाँ सिविल हॉस्पिटल भेज दिया था। हमारे साथ में जो है 3 जवान साथ में आए थे उसको लेकर, और अचानक रास्ते में उसको और भी हिचकियाँ लगी, सांस लेने में दिक्कतें आई, और फिर यहाँ पर आकर हॉस्पिटल में इन्होंने हैंड ओवर कर दिया था। फिर बाद में वो जो मृत घोषित हुआ। सर थोड़ी बार ये कह रहे कि जेल में कोई लापरवाही है कहीं ना कहीं। नहीं, जेल तो बिल्कुल तत्पर रहती है, उसी समय जैसे ही पता चलता है तो सडन डॉक्टर्स को बुलाया गया और सडन इसको मेडिकल के लिए जो है इमरजेंसी गार्ड लगा के भेज दिया गया। और लापरवाही की कोई बात ही नहीं, हमारी किसी से ऐसे तो होती नहीं कोई चीज़ें, हम तो बिल्कुल हर सेकंड ध्यान रखते हैं, रात हो दिन हो। और वो लड़का भी हमारे मेडिकल में हॉस्पिटल में ही जो है अपनी सेवाएँ देता था, उसको नॉलेज थी, पढ़ा लिखा लड़का था, वहाँ काम भी करता था वो। जांच भी होगी इसमें सर अगर कहीं लापरवाही। हाँ हाँ, कोई भी अगर ऐसी होती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्टें आ जाएंगी, और कोई भी अगर ऐसी बात है तो ठीक है, नहीं तो बहुत अच्छा करती है जेल प्रशासन। कब से कितने साल से जेल में था, क्या आरोप? ये अभी जो है अभी नई ये जो जेल है ना चालू हुई है, पहले ये करनाली बंदी बंद थे, तो अभी कुछ समय पहले ही वहाँ से बदल कर यहाँ आए थे। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन ब्रिजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।